एंड द रिकॉर्डिंग हैज बिगन। हेलो गाइज, वेलकम टू एपिसोड नंबर 7 ऑफ दिस गेम प्ले। ठीक है, लास्ट बार हम लोगों ने खेती बाड़ी करी की थी, थोड़े मोड़े ज्ञान की बातें करी थी, और उसके बाद से अभी आज का इस एपिसोड का अपना ये टारगेट रहेगा कि कुछ मवेशी हैं जो एनिमल्स हैं उनको ले जा करके रखते हैं, खाना का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाना मिल नहीं रहा है सही से। ठीक है, और हम लोग एक बार देख लेते हैं मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, सब कुछ या एवरीथिंग इज ओके। सो या आई थिंक वी शुड बी गोइंग नाउ, सो या लेट्स गो। ठीक है, ये खेती बाड़ी तो करी थी हम लोगों ने, थोड़ा मोड़ा वाटर वाटर भी लगा ही दिया था, अब वीट सीट ज़्यादा था नहीं तो फिलहाल के लिए अभी इतना वीट सीट तो है नहीं। और अब टारगेट बताया क्या, अब यहाँ पे हम लोग ना वो करेंगे, क्या कहते हैं ये सब, इसको आगे चल करके हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने बात करी थी रॉल्स लॉ क्या होता है, पानी अगर जो गंदा हो जाता है तो पानी को उबलने में ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, और पानी अगर जो गंदा हो जाता है तो पानी जमाने में भी आप लोगों को ज़्यादा कम टेम्परेचर रखना पड़ेगा फ्रिज करने के लिए। ये सब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सब आप पढ़ोगे अपने साइंस क्लास में, पढ़ोगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, आगे चल के अगर जो आप जिस क्लास में हो या फिर आप पढ़ चुके हो, आई डोंट नो कि आपका एज क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जैसे कि बात है अपनी, हम लोग अपना आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो हम लोग ये जो अपना बना ही रहे थे, ये तो हम लोगों ने अपना बना ही लिया कि अपना छोटा मोटा हल्का सा खेत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अभी इसको ऐसे करेंगे ना, देखो ये हो जाता है कूदने से ना, ये हो जाता है, ये देख रहे हो। ठीक है, तो ये हम लोग अपना खेती बाड़ी हो गया है, और मेरा टारगेट बताया क्या, मेरा टारगेट ऐसे 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 घुमाते फिराते बढ़िया से एक वो बनाना, अपना एक मस्त कासल जैसा बनाना, और सब चीज़ें अपना बनाते बनाते चीज़ें शेयर करते रहना। पता है कई लोगों में तो क्या होता है कि इसको रिकॉर्ड करके रख देते हैं। ठीक है, और अभी एक मैडम जी का कॉल आ रहा है। इन मैडम जी को 50 बार बोल चुके हैं कि अभी फ़ोन ना किया करो, हम काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं इनको लग रहा है ना, इनको लग रहा है कि ये लड़की है तो ये इनका हुक्म चलेगा, लेकिन नहीं बेटा, आई एम नॉट योर हस्बैंड। अब मेरा मर्जी, मेरा मन करे बात करने का करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे, अब नहीं उठाएंगे इसका फोन। उठा यार 50 बार, पता है क्या हो रहा है, हम जब वीडियो बना रहे हैं तो इनको कॉल करने का मन कर रहा है, और जब हम वीडियो नहीं बना रहे हैं तो जब कोई काम कर रहे होते तो इनको कॉल ही नहीं करना होता, तो जाओ गया गेट लॉस्ट। ठीक है, वैसे भी यार काम से बढ़ के कुछ नहीं होता है, तुम्हारा काम ही तुम्हारा पहचान होता है सलाह, अगर जो कुछ करोगे नहीं तो। ये भी क्यों हमसे, इन्होंने भी हमको क्यों कॉल किया, इन्होंने देखा कि आई एम जस्ट नॉट एन एनी अदर गाय, हालांकि वो कोई बहुत महान आदमी नहीं है, बट या आई एम काइंड ऑफ बिजी। ये क्या है बे यार, ये सब बड़ा हो गया, छोड़ो। अच्छा सुनो ना, ये लकड़ी उकड़ी हम फालतू का नहीं रखते, लकड़ी उकड़ी का। ठीक है, सो जाया जाए क्या, हाँ फालतू का कुछ इधर रिस्पॉन्स हो जाएगा तो फालतू का मेरा स्ट्रक्चर चला जाएगा। हाँ, तो हम कह रहे थे ये बता है कि भाई काम से बढ़ करके यहाँ पर कुछ नहीं है, काम है तुम्हारा पहचान है, काम करोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज यार कोई पहचान नहीं है। ठीक है, तुमको चाहे जितना भी लग रहा है ना, तुम्हारे पिताजी कमा लिए हैं वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यार अपने यहाँ समाज में ना आदमियों का वैसे उतना कोई क्या बोलेंगे तो अजीब लगेगा, आदमियों के यहाँ कोई पूछता नहीं है यार। ठीक है, नोबडी, आदमियों का कोई मतलब इतना कोई बोलबाला नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, वी मेन आर एक्सपेंडेबल, ये सब चीज़ के बारे में भी बहुत बातें किया जाएगा, सिग्मा मेल कैसे क्या होते हैं। ठीक है, और अपने यहाँ पुरुषों का क्या हालत है समाज में, वो सब चीज़ें बातें भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना जान लो कि यार अपने लिए यहाँ पर कोई ऐसा कुछ ऐसा कोई ठिकाना नहीं है कि कोई हम लोग को अपना बचा लेगा। ठीक, जो रूल्स जो नियम आदमियों के लिए है वो नियम औरतों के लिए भी हैं, लेकिन जो नियम औरतों के लिए है वो नियम आदमियों के लिए नहीं है। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सेक्शन 498A अपने यहाँ इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता में दहेज प्रथा के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, चलो अच्छी बात है यार, दहेज लेना, दहेज के लिए किसी भी को परेशान करना बहुत गलत बात है यार, कोई औरत अपना घर द्वार छोड़ करके अपने माँ बाप को छोड़ करके यहाँ पर आती तुम्हारे भरोसे और तुम साले उसको परेशान करोगे, तो ये मतलब सही बात नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक औरत अगर जो घर में कला करे, इसके लिए कोई रूल ही नहीं है। ठीक है, हमको तो ज़्यादा हमको पता है ऐसा कोई औरत विशेष के लिए ऐसा कोई रूल नहीं बना है कि तुम अगर पति जा करके यहाँ पर अगर जो दाखिला कर दे कि भैया ये औरत हल्ला मचाती है, मतलब जीने नहीं देती है चैन से वगैरह वगैरह, ठीक है, तो आदमी कुछ कर सकते, मतलब ऐसा कोई कानून यहाँ पर नहीं है एज फार एज नो। अगर जो आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अदरवाइज हमको नहीं लगता कि ऐसा कोई रूल है। ठीक, अपने यहाँ समाज में यार बताया आदमियों का उतना कोई कदर नहीं है। ठीक है, आप बस उसमें भी जाओगे तो आपको महिलाओं के लिए सीट मिल जाएगा, बुजुर्गों के लिए सीट मिल जाएगा, सांसद के लिए सीट मिल जाएगा, लेकिन पुरुषों के लिए सीट नहीं मिलेगा। पुरुष जाकर के महिला के सीट पर नहीं बैठ सकते, भले ही महिलाएं आकर के पुरुष के सीट पर बैठ सकती है। ठीक, तो अपने यहाँ समाज में यार आदमियों का उतना रिस्पेक्ट नहीं है, और हमको नहीं लगता है कि आदमियों को
उतना कभी भी उतना कभी मिला है समाज में। हम लोगों को, हम इंसानों को, हम आदमी को पता है कुछ भी पाने के लिए ना लड़ना पड़ा है। ठीक है यार, अगर जो मेहनत नहीं करोगे तो कोई नहीं पूछेगा। ठीक, लड़की अगर जो कोई लड़की कमाए धमाए नहीं ना कुछ भी नहीं करे और बड़ी हो जाए तो भी अपने अपने यहाँ समाज का बता रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा कुछ किसी को जज नहीं कर रहे हैं कि कोई क्या करती है, सही करती है, गलत करती है। आई एम नॉट गोइंग टू जज एनी वन। ठीक, बट आई वॉन्ट टू से कि यार अपने यहाँ समाज में कि कोई अगर जो लड़की कमाए धमाए नहीं ना तो भी आराम से शादी ब्याह कर देगा। कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा कि तुम कमाती नहीं हो, बेकार हो, नल्ली हो, नल्ला हो। ठीक है, लेकिन ये अगर जो आदमी नहीं कमाएगा ना तो थूके उसे खुद के माँ बाप उसको नकार देंगे। ठीक, और ऐसा मतलब कई बार देखने के लिए मिला भी है, हम सुने भी है, देखे भी है समाज को। तो सो या आपको आपके आपके और आपके काम के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, बता रहे पहले ही। ठीक है, काम इज इम्पॉर्टेंट। ठीक, काम काम ही आपका सब कुछ है, काम ही आपका पहचान है, काम ही आपका क्या बोलते हैं इंतजाम है, रोटी पानी का काम ही सब कुछ है। सो अपने काम का हमेशा रिस्पेक्ट किया करो और काम के आगे कुछ मत आने दो। ठीक है, किसी का फ़ोन आ रहा है, मैडम जी का फ़ोन आ रहा है, गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, वाइफ का फ़ोन आ रहा है, व्हाटएवर। ठीक है, हालांकि वाइफ को फ़ोन ले लिया करना, हमको इस कैटेगरी में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक, कहाँ गए लकड़ी बड़ी यार, लकड़ी बड़ी नहीं है, लकड़ी यहाँ पे है और चलते हैं। ठीक, लकड़ी चाहिए, वो हम लोगों को चाहिए, लकड़ी उकड़ी के लिए चाहिए, वो सब ऊपर में हम लोग को फेंसिंग वेंसिंग करनी है ना, उसके बाद से कुछ मवेशी चाहिए होगा। ठीक, तो वो सब लाएगा। यार खाना का हम लोग को बहुत किल्लत है, क्यों यार इसको बोया कैसे जाता है यार? अच्छा, मेरे ख्याल से इसको एक ऐसे बोया जाता है, क्यों? यार तू जितना अच्छा ठीक सुनो, मेरे ख्याल से हमको लगा ना जितना निकलेगा सब वही हो जाएगा। ठीक, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा रखते हैं इसको। अच्छा, इसको उसको नहीं निकाला जाएगा। ठीक, उसको खाने के लिए बाद में रखा जाएगा, उसको बात के लिए रखते हैं। ठीक, एक मिनट को हम लोग इस समय बताया, थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं, क्योंकि पानी वानी पीना ज़रूरी है। ठीक, ओके सुनो, खेती बाड़ी के लिए हम लोग यहाँ पर इसको चलो उगा ही देते हैं। ठीक है, जब यही बात हो गई ना तो हम लोग यहाँ पर खेती बाड़ी के लिए उगा लेते हैं। ठीक, बेरीबुस है तो बेरीबुस का मतलब यह है कि वहाँ पे उसे उगते रहेगा। चलो एक जगह अपना हम लोग डिजिग्नेट कर लेते हैं जहाँ पर हम लोग बेरीबुस को अपना उगाएंगे। ठीक, ओके, इनको देखो, भाग ही नहीं रहा था, पता है कि देखो इसका हंगर बार ख़त्म हो गया। ठीक है, हंगर बार ख़त्म होने के कारण ही भाग ही नहीं पा रहा था, इसलिए तो चोट लग गया, डैमेज लग गया। अच्छा, यहाँ पर बार बार ये लोग स्पॉन हो रहे हैं यार, एक आध वो लगा देना चाहिए, टॉर्च लगा देना चाहिए ताकि ये लोग बार बार स्पॉन ना करे। अब ऐसे खा लेते हैं, नहीं तो अब की बार तो पक्का मर जाएंगे। हालांकि मरने से हमको डर नहीं लग रहा फिलहाल के लिए, जहाँ कुछ लूज करने के लिए है नहीं ना, सो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। देख रहे हो खाना का कितना बड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलो शुरुआत में खाना का हमेशा दिक्कत होता है, कहीं भी जाओगे शुरुआत में कुछ भी करो। अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, हमको पता है कि स्टार्ट नहीं किया, मेरे पास पहले भी से नॉलेज है ये इसको, तो इसमें भी हमको लगता है पता है हमको टाइम लगेगा एंड ऑल दैट। हमको उसमें उतना ज़्यादा मेरे को बहुत भूख नहीं लगी हुई है कि लालच नहीं लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज़, ओ माई गॉड, वो सब मेरे को नहीं कर। ठीक है, अगर जो आपको मन करेगा तो आपको अच्छा लगेगा तो खुद ही सब्सक्राइब करोगे, ऐसा तो है नहीं कि कंटेंट अच्छा रहेगा लेकिन किसी का दुश्मनी है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट टू सब्सक्राइब अबाउट अस। हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे थे यार, पता है अपने यहाँ आदमियों का कोई ऐसा उतना रिस्पेक्ट नहीं है, और ये बात पता है लोग बोलते हैं कि औरतों को तकलीफ होती है। ठीक है, औरतों को तकलीफ होती है, हम नहीं कह रहे नहीं होती है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सिर्फ उन्हीं को तकलीफ होती है, तकलीफ सबको होता है भाई, दिल सबका दुखता है, जो खून तुम्हारे अंदर में है वो खून हमारे अंदर भी है, तकलीफ सबको होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि तकलीफ को ही अपना साथी मान करके आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ लोग बैठ कर रोते रहते हैं। आप ट्रेन में भी जाओगे तो एक महिला बोगी मिलेगी, लेकिन आदमियों के लिए बोगी नहीं मिलेगा, आदमी भी थोड़ा सा कम हरामी थोड़ी है। कुत्ता जैसे लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं। अपने यहाँ समाज में पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, आदमियों का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, उनके पीछे पड़े रहते हैं और लड़कियों के पीछे कहाँ, अरे यार नंबर दिला दे किसी तरीके से, कोई लड़की का ये है वो फलाना देखा, अरे क्यों नहीं चाहिए, क्यों चाहिए तुमको नंबर यार, क्यों चाहिए? मतलब इतना के डिस्प्यूट हो रहा भैया, तुमको अगर जो मज़ा आता है अपोजिट जेंडर के साथ रहने में तो अपोजिट जेंडर को भी मज़ा आता होगा तुम्हारे साथ रहने में, तो फिर एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, कुछ अपना इज्जत इज्जत रखो, नहीं किसी तरीके से मिल जाए किसी तरह, पूरा का पूरा समाज ही फक्ड अप है, सही बताया, पूरा सोसाइटी एकदम फक्ड अप है। इसीलिए हम यहाँ पे वो सब बकचोदी वक चीज़ें नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अपना हम लोग एक मिनट यार, यहाँ पे वो सब बना लेते हैं ना, यहाँ पे हम
वो नहीं करेंगे कि क्या कहते हैं कि ये सिंपगिरी यहाँ पर नहीं चलेगा। अरे यार खाने के लिए कुछ है नहीं हम लोग पास यार, देख रहा हूँ कुछ नहीं खाने के लिए। कैसे काम चलेगा बिना खाना खाए? खाने के लिए यार कुछ मवेशी ववेशी लाना पड़ेगा, एक मिनट को यार। दिखा रहे एक चीज़ दिखा रहे, इसमें एक ऑप्शन रहना चाहिए कि सब कुछ गिरा देने का, ठीक है ये सब गिराते मर के आ जाते। चलो खाना का जुगाड़ करते हैं, ठीक है खाने के लिए कुछ है नहीं और बिना खाना खाए मुश्किल हो जाएगा। ठीक वैसे अभी खाना पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक खाना पकने में भी टाइम लगेगा, तो अभी चलो कुछ खाना वाना लेके आ जाते हैं, कुछ मवेशी वैसी मिले तब ना। ये देखो यार पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है नहीं यार, देख रहे हो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को जरूरत पड़ गया, क्या कहते हैं खेती बाड़ी करने का, क्योंकि यहाँ पे कुछ मवेशी वैसे ज़्यादा है नहीं, दूर दराज कहीं कोई है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ बिना भेड़ है ना बकरी है ना कोई है, तो यहाँ पर थोड़ा खाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये देखो फनी दैट लुक्स फनी, ठीक है हाँ। तो हम क्या बोल रहे थे, चलो पहले बात तो कुछ खाने का जुगाड़ कर लिया जाता है। कितना बज रहा है फिलहाल के? 9:11:24 हो रहा है, ठीक ओके 11:24 हो रहा है सुबह के अभी, और आज छुट्टी था मेरा, तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा अपना टाइम इसमें और भी इन्वेस्ट कर लें। इट्स नॉट लाइक कि आई कॉन्ट डू दैट, आई कैन इन्वेस्ट सम ऑफ माई टाइम इन टू दिस। यार पता है नहीं यहाँ पे कुछ है ही नहीं यार कुछ खाने के लिए, कौन सा फा टीचर भाई अभी यार कुछ खाने के लिए है ही नहीं है, ढूंढ रहे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो और ये भी बता रहे थे कि अगर जो खाने का थोड़ा जुगाड़ हो जाए ना तो थोड़ा बेटर लगे मेरे को यार, क्योंकि कहाँ कुछ मिल रहा है यार, देख रहे हो सलाह देख रहे हो कुछ नहीं यार, कुछ नहीं लिटरली कुछ नहीं, अभी हमको कोई दौड़ाने भी लग जाएगा ना तो बच नहीं पाएंगे। यार ये क्या नौटंकी यार बताओ, इतना नाइंसाफी का हो रहा है हमारे साथ, देख रहे हो कुछ भी है। और मेरा इतना फ्रेम ड्रॉप क्यों हो रहा है? अच्छा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है क्योंकि नए एरिया में हम आए हैं, क्यों यार? चलो 170 FPS तो ठीक ही है, 170 FPS तो ठीक ही है, लावा है यार, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा मेरे को। अरे यार ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। सुनो ऐसे करते हैं ना कि एक हम लोग वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं एक मिनट को यार, इसको ऐसे करते हैं और यहाँ पे पता है रियल लाइफ में भी मेरे को खाने का दिक्कत है, ठीक खाना मम्मी पहले आई थी, मम्मी यहाँ पे बनाई थी बढ़िया से खाना, जब हम यहाँ मतलब अकेले रहते हैं, ठीक है तो मम्मी आई थी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनाई थी खाना, उनका टेस्टी खाना का इतना आदत हो गया ना कि अब हम बाहर ही नहीं खा रहे, मतलब हम खाना ही नहीं खा रहे, मतलब बाहर का खाना नहीं खा रहे, और खुद से बनाने की मेरे को औकात नहीं है। खुद से कौन बनाएगा यार, हरी सब्ज़ी बढ़िया, हरी सब्ज़ी खाए हो यार? हरी सब्ज़ी खाए हमको बहुत टाइम हो गया। आज 22 तारीख है ना, हाँ आज 22 तारीख है, कल को अगर जो ले लिया जाए तो मेरा करीब 30 तारीख हो जाएगा, ठीक हरी सब्ज़ी खाए हुए 30 तारीख हो जाएगा मेरे को, कि मतलब 10 दिन हो जाएगा मेरे को हरी सब्ज़ी खाए हुए, ठीक खाने का मन ही नहीं करता यार, बाहर का खाना इतना घटिया बनाता है बगल में यार कि एक साला उससे अच्छा तो हम व्रत कर ले यार, एक बेकार खाना बनाता है यार, कम्प्लीटली बेकार एकदम वाहियात कचरा खाना बनाता है, कचरा खाना उससे अच्छा ना है तुम व्रत कर लो तुमको पुण्य मिल जाएगा वो ज़्यादा सही है, लेकिन वो सब ना खाया करो यार बहुत बेकार लगता। मैं अब चलते यार रूम पे, बस अंधेरा हो गया यार, हमको एक बेड ले हमेशा बेड एक साथ में लेके चलना चाहिए था लेकिन बेड लिए नहीं थे, चलो कोई बात नहीं यहाँ से निकलते यार नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और ये भी बात है देख लो चांदनी रात में हम तुम साथ में। हाँ शायरी बहुत सारे आता है हमको शायरी, जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था ना कि खुदा बचाए इन तीनों से डॉक्टर वकील और हसीनों से, तो इसका मतलब होता है कि आपको डॉक्टर वकील और हसीनों इन तीनों से दूर रहा करो भैया, कहे कि इनके पास जाने का मतलब है अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारना, मतलब इनका ज़रूरत तभी पड़ता है जब आपके पैर पे कुल्हाड़ी पड़ी हो या फिर पड़ने वाली हो, ठीक है तो ना डॉक्टर सही है, चोट लग गया, ना डॉक्टर सही है ना वकील का ज़रूरत पड़े आपको, ना डॉक्टर का ज़रूरत पड़े ना आपको हसीनों का ज़रूरत पड़े। तो आम जा रहे सोने के लिए यार, पता रात हो गया देख रहे हो पूरी इस तरीके डरावना लग रहा है ना, थोड़ा सा डरावना लग रहा है, हमको डर इस बात का नहीं है, ये क्या है वैसे, ये उग रहा है क्यों, बहुत धीरे धीरे उग रहा है यार, ऐसे खेती करते हैं ठीक, चलो सो जाते हैं ठीक, पता नहीं शायद सोने से मेरा ये शायद जल्दी एक्सेलरेट हो जाए, ये सब चीज़ की जरूरत, पता है माइनक्राफ्ट में एक टी की स्पीड होती है, माइनक्राफ्ट तो बता रहे हैं माइनक्राफ्ट में 1 सेकंड में 10 टिक होती है
क्यों, जहाँ तक हमको पता है एक सेकंड में 10 टिक होती है, ठीक है। और कुल मिला के पता है तुमको माइनक्राफ्ट में 10 मिनट का दिन होता है और 10 मिनट की रात होती है, ठीक। तो 10 मिनट का दिन होता है, 10 मिनट की रात होती है, ओके। तो मेरे ख्याल से हम लोग पर्याप्त लकड़ी ले आया है, क्यों अभी मेरे पास खाना नहीं है, तो बिना खाना का ही काम करना पड़ेगा, बिना खाना का ही काम चलाओ यार फिलहाल के लिए, क्या किया जाए। डू दिस विदाउट एनी फूड, सो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिना खाना का काम नहीं चलेगा। पता कई कई लोग स्मार्ट दिखने के लिए ना इसको क्या करते, ऐसे रखते ऐसे रखते ऐसे रखते। अबे क्यों, मतलब क्यों तुमको करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे में क्या दिक्कत है तुमको। हम इसलिए उतना नोटंकी करते नहीं, ठीक। उसके बाद से फिर यहाँ पे हम लोगों ने फेंसिंग कर देंगे, ठीक। फेंसिंग करने के बाद से एक मिनट को यहाँ पे हम लोग वो बनाएंगे, ठीक। बाकी सारा चीज़ के लिए एक चेस्ट बना देते यार, चेस्ट अभी तक हम लोगों ने अभी तक एक भी चेस्ट नहीं बनाया, क्यों। एक पता ड्रम बैरल था, क्या बोलते थे यार उसको, बैरल हमने सुना है कि ज़्यादा बेटर होता है। सो क्राफ्टेबल नहीं, बैरल बताओ यार। बैरल जो है ना ओक स्लैब, बैरल से पता रिसोर्सेज बचती है, बट थोड़ा अजीब लगता है बैरल। तो बैरल अभी नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, ठीक। बैरल बनाने से आपका कुछ कुछ रिसोर्स मतलब होता है कुछ सामान आपका बच जाता है, तो लेकिन फिलहाल के लिए बैरल नहीं बना रहे हैं, बाद में बनाएंगे बैरल बाद में बनाएंगे। यार पता है इसके यूट्यूब पे इतना ट्यूटोरियल देखा ना हमने कि इसको पता है यहाँ से कूद करके इसमें अंदर जाओ और अंदर से कूद करके निकलने का, इसमें इतना सारा ट्यूटोरियल देखा है ना, इतना सारा ट्यूटोरियल देखा है कि क्या होता है। और हर बार ट्यूटोरियल देखते हैं, हर बार हम भूल जाते हैं, ठीक है। आओ एक गेट बनाते हैं, ठीक। गेट बनाओ भैया, ओक फेंस गेट, ओके। ये क्या है ओक फेंस, फेंस गेट लाओ ना, गेट कहाँ गया, ओके। अभी तो ज्ञान की वाली बातें नहीं हुई ना यार, ये क्या नौटंकी है, गेट है ना ये, चलो दो को बीच में ऐसा है, दो को डंडा ले आओ, इधर ले आओ ये है स्प्रूस फेंस गेट, ठीक है। गेट बना लिया, ठीक। अब यहाँ से कोई गिर जाएगा ना तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक। इसलिए हम पता है इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं ना कि कहाँ है ये, चलो यहाँ पे एक लाइट लगा देते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ है। अरे अरे टॉर्च क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग अपना आ जाएगा, ठीक। तो चलते किसी को लेकर के आते हैं, क्योंकि खाना का यहाँ पर कमी है, हम लोग पास बहुत भयंकर खाने की कमी है। रुको, पेट अपना भर लिया जाए क्या, पेट अपना भर लेते हैं, ठीक। हाँ यार अभी पता है खाना की हम लोग पास बहुत भयंकर कमी है, ठीक। तो हम लोग जल्दी से अपना खाना का जुगाड़ करते हैं, जल्दी पेट, पता पेट भरने का एक निंजा टेक्निक है, ठीक। पेट भरने का निंजा टेक्निक है। अभी देखो अगर जो आपको हील करना है ना, अगर जो आपका मतलब मेरे जैसा हेल्थ अगर जो कम है, अगर जो आपका मेरे जैसा हेल्थ कम है, आप सोच रहे हो आपके पास रिजनरेशन पोषण नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप मेरे जैसा हेल्थ कैसे रखोगे बताओ। देखो मेरे पास कितना कम हेल्थ है, इतना कम हेल्थ में काम कैसे चलेगा बताओ, चल पाएगा क्या इतना कम हेल्थ में, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो आपको बताते हैं अपना हेल्थ कैसे बढ़ाया जाता है। अपना हेल्थ बढ़ाने के लिए आपको अगर जो अपना हेल्थ बढ़ाना है ना, तो बहुत आसान है, अपना हेल्थ बढ़ाना बहुत आसान है। उसके लिए ना आप क्या करो, यहाँ जाओ, उसके बाद से फिर ये हो गया, देखा अभी मेरा हेल्थ फुल हो गया, देखा ये है हेल्थ बढ़ाने की निंजा टेक्निक, ठीक है, ओके। मेरा हेल्थ बढ़ गया, भूख भी नहीं लगा हुआ मेरे को, काम चल जाएगा, ठीक है। अब चलते हम लोग वो वाला लेकर के आते हैं, क्या कहते हैं, मवेशियों को लेकर के आया जाए, मवेशी को लेकर के आते हैं, और फिर उसके बाद से फिर हम लोग उसको ढूंढते हैं कि कहाँ है वो। मेरे ख्याल से आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ, ठीक है। पता है किल होने के बाद से ना, जो नीचे मेरा एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस बार है ना, वो 7 से ज़्यादा नहीं होता, जहाँ तक हम जानते हैं कि आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस लेवल हो, अगर जो डेथ हो गया ना, तो फिर उसके बाद से वो 7 से ज़्यादा नहीं होता है। तो मवेशियों को लाया जाए, उसके लिए यार हम लोग को बहुत सारा वीट वूट चाहिए, खाना वाना चाहिए, खाना वाना का जुगाड़ करना पड़ेगा। खाना वाना कहाँ मिल रहा है, हम तब से ढूंढ रहे हैं इसके, लेकिन मिल नहीं रहा है, ओके। इसका वीट ले लिया जाए क्या यार, अभी हमको ज़रूरत है, ठीक है, ठीक। देख रहे हो ये नोटंकी मेरे को पसंद नहीं यार, ये क्या नोटंकी है, तो थोड़ा सा चल लो तो फिर मेरा ये बंजर जमीन ही हट जाती है, ये क्या नोटंकी है भाई, ये क्या नोटंकी, खाली बस खाली नोटंकी, बहुत बड़ी बड़ी सी इनकी नोटंकी होती है और कुछ नहीं है, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं गोएंगे, एक दो को बस खाली से
हाँ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे, यहाँ पे इसको अपना होने दो जो होना है। हम लोग चलते हैं फिलहाल के लिए, चलते हैं अपना इधर खेती बाड़ी करते हैं। रुको, हाँ पहले अब जब नीचे आ ही गए ना तो कुछ दो लोगों को लेकर के आते हैं, ठीक। अज्जा अज्जा, यहाँ हम लोगों ने कई लोगों को देखा था, क्यों? हम लोग पास, याद रखो हम लोग पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अगर जो यहाँ पे हम लोग अटकते हैं ना तो हम लोग के यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा चलो ये मिल गया, ठीक है। अच्छा बेटा ये एंडरमैन कहाँ से आ गया? एंडरमैन एंडरमैन, इसको देखें क्या, कहाँ गया, भाग गया डर करके। अब ये से डर रहे हो बेटा, जिस दिन हमको मेरे पास निद्रा डर मारा आएगा उस दिन तुम्हारा क्या हाल करेंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मुन्ना, आ जाओ। एक और मुन्ना थे इधर, अरे मुन्ना आ जाओ तुम ही आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। ए बाबू इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ठीक है चलते हैं, ठीक। आ जाओ साथ में, चलो आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चलो। अच्छा इधर से लोग लेके चलते हैं, ठीक। देख रहे हो कि दुनिया कितनी जालिम है, बेचारों को खाना का लालच देकर के हम अपने घर पे लेके आ रहे हैं। बेचारे पापी पेट के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है, पापी पेट के लिए, और वो एक और चीज़ है उसके लिए। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ। अरे यार तुम कहीं नहीं आ रहे हो, आ जाओ। वाई आर यू नॉट कमिंग, वाई आर यू नॉट रनिंग, वाई आर यू नॉट रनिंग, आ जाओ तुम ही आ जाओ, ठीक है। अरे ये बेवकूफ़ है, तो ये बेवकूफ़ सर, ये मंदबुद्धि है क्या ये? अच्छा इधर चलो 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 बेटा, चलते हैं यहाँ से, अब इन ब्रीडिंग का सेशन चालू होगा, ठीक। अच्छा देखो देखो साले मंदबुद्धियों को, देख रहो कहीं ये लोग साले जल ना जाए। अच्छा हाँ, तो अभी खाना का हम लोग को थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, खाना मतलब अभी बहुत कम है, तो खाना का जो पता है ये हार्ड मोड है, इसमें ये हार्ड डिफ़िकल्टी है, ठीक है। ये देखो आपसे इसमें हार्ड डिफ़िकल्टी है, तो हार्ड डिफ़िकल्टी होने के कारण ना दूसरा वाला भी आ रहा है ना, हार्ड डिफ़िकल्टी होने के कारण ना हम लोगों को ना वो करना पड़ता है, क्या कहते हैं, बार बार खाना खाना पड़ता है, क्योंकि हार्ड डिफ़िकल्टी में बार बार वो मतलब ख़त्म हो जाता है। सीधा स्ट्रेट लाइन में आना सालों, गिर जाओगे तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, नहीं गिर सकता यार। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, कम ऑन कम ऑन, ठीक है। अच्छा 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 बेटा तुम यहाँ से कभी, ये देखो साले मंदबुद्धियों को, अबे एक गधो, आ जाओ अबे यार एक एक करके आओ ना, एक ही करके आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मुन्ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे गधो आओ ना, इनको अभी तुम पीछे जाओ, तुम आओ इधर आओ, ए इधर घूमो इधर घूमो, हाँ आ जाओ तुम अंदर आओ अंदर आओ। अबे सालो दिमाग के सारे पैदल हैं एकदम, गधे हैं एकदम, अब तो आ जाओ, हाँ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ठीक है ओके। ये पता है भाई ये उतना सही तरीका नहीं है, जहाँ तक हमको पता है ना भाई, ये उतना सही तरीका ना यार, ठीक है चलो ठीक। ये लो तुम ठीक। अब अपना अपना यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे ये बो देंगे अपना जो है। चलो यार धीरे धीरे खाना वाना का जुगाड़ हो गया है, वैसे भी हम लोग को गाजर मूली भी चाहिए होगा, गाजर चाहिए होगा। आह बरसात हो रहा है, पता सुना हमने बरसात में फिशिंग करने से ज़्यादा बेटर चांसेस होते हैं बेटर लूट का, बट मेरे को इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। ओके चलो अपना खाना का थोड़ा सा जुगाड़ हो गया है इस एपिसोड का, मतलब मेन मेरा हम लोग का मोटिव ये भी था कि खाना का थोड़ा सा जुगाड़ हो जाए और काम चल जाए आगे, ठीक है। अब अगला हम लोग क्या किया जाएगा ना कि अब हम लोग अगले करेंगे, हम लोग बनाएंगे अपना वो क्या कहते हैं बेस तो बन नहीं रहा, ऐसे भींग रहा है आदि मानव जैसे, पता है यहाँ सो सकते हैं। यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट और ड्यूरिंग थंडर स्टॉम्स, पता है थंडर स्टॉम का भी क्यों होता है, बिजली क्यों चमकती है, कभी सोचा है आपने? बिजली चमक रही है, ठीक है, बिजली क्यों चमक रही है, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? अब आपको बताते हैं बिजली क्यों चमकती है। बिजली चमकती है किसी किन्हीं विशेष परिस्थितियों के बन जाने पे अपने यहाँ वातावरण में। चलो पहले बात बताते हैं ये वातावरण क्या होती है, एटमॉस्फेयर क्या होती है, पता है एटमॉस्फेयर तीन स्फेयर से मिलकर के बनते हैं, लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर नहीं सॉरी बायोस्फेयर क्या होते हैं, बायोस्फेयर तीन स्फेयर से मिलकर के बनते हैं, लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फेयर होता है मतलब मिट्टी वाला जो चीज़। अबे यार ये बरसात मेरे को एनॉय कर रहा है यार, हाँ अजीब लग रहा है, हालांकि बरसात का सीन अच्छा लग रहा है ना,
कुछ कुछ मॉड्स है पता है, उसमें मॉड्स है रियलिस्टिक्स में हवा हवा बहता है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे अगली बार से वाला मॉड्स इंस्टॉल करने के लिए, पता है उसमें मस्त स्मोक, बढ़िया हवा, ठंडा ठंडा हवा बहता है, मज़ा आता है यार, उसका आवाज़ सुन करके बहुत मज़ा आता है, ठीक है। हम अगले एपिसोड में लाएंगे प्लीज, ठीक है। आप इस एपिसोड बस खाली सवर कर लीजिए, अगले एपिसोड में उसको लाएंगे, ठीक है। बहुत मज़ा आता है उसको यार सुनने में। एक मिनट को हम उसको टेस्टिंग करेंगे, तो हो सकता है कि हम जहाँ तक छोड़ के गए हो सकता है वहीं पर हम फिर से दोबारा रिज्यूम ना करें, ठीक है। ओके, तो चलो अपना ये हम लोग अपना आगे बनाते हैं। लकड़ी उकड़ी तो थी ना, लकड़ी उकड़ी तो थी, चलो सो जाते हैं यार, वैसे भी रात हो गई, चलो बरसात में सो गया। मेड द पैरट्स एंड द बैट्स, ठीक। अब बरसात शायद ख़त्म हो जानी चाहिए, सुबह होने के बाद से बरसात ख़त्म हो जाती है। बरसात ख़त्म हो गई है और अब हम लोग इसके ऊपर बनाएंगे, अब यहाँ से हम लोग अपना ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, ठीक। ऑलराइट, कौन जाएगा उतने लकड़ी करने के लिए, दिमाग ख़राब होता है मेरा, उसको बैठ करके लकड़ी लाओ, फिर ये काटो, फिर वो काटो, फिर ये काटो। चलो चलते हैं, ठीक है। तो अच्छा सुनो, ये हो गया ना, ये शायद मेरे ख्याल से वीट हो गया, ये गेहूँ हो गया। ये सब पता है, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम, ये सब आगे चल के ना इसको बहुत ऑटोमेटिक कर देंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक मतलब रेडस्टोन लगा दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, ये फार्म वो फार्म, मतलब कि यार एकदम पूरा सोसाइटी बना देंगे आगे चल के, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे, अभी नहीं, अभी यहाँ पे खाने के नहीं लट रहे हैं, हम यहाँ पे बैठ के मशीन बनाएंगे, अभी नहीं, मशीन बनाया जाएगा, रेडस्टोन कंट्रप्शन बनाया जाएगा, बहुत सारा फनी बकचोदी किया जाएगा, बट अभी नहीं, फिलहाल के लिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक। आगे चल के क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा मेरे को, इतना क्लियर तो समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक कि यहाँ पर एक और बेस बना दिया जाता है, ठीक। बेस नहीं, यहाँ पर एक वो बना देते हैं कि कम से कम ये देखने के लिए हो जाए कि यहाँ से हम लोग अपना एक व्यू आते जाए। हाँ देखो, यहाँ से अपना व्यू आ गया। अब सुनो, विलेजर्स विलेजर्स को ट्रैप करने के लिए हम लोग को माइनिंग जाना पड़ेगा, लेकिन माइनिंग जाने के पहले हम लोगों को खाना बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और चूँकि हम लोग यहाँ पर अपना वहाँ पर ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं, कोई यहाँ पे केव्स, तो केव सिस्टम तो है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को अंडरग्राउंड माइनिंग जाना पड़ेगा, मतलब खोद खोद करके नीचे जाना पड़ेगा, ठीक। और यार मेरे पास 7 आयरन था और हमने 3 का बनाया, मैंने अभी तक एक भी शील्ड नहीं बनाया, क्यों शील्ड बनाया क्या हमने, शील्ड वील्ड एक भी नहीं बनाया हमने अभी तक, ठीक है। आ जाओ यार, तुम लोग अपना प्रजनन करो, इसको, इसका पेट भरा हुआ है, इसका भी पेट भरा हुआ है, बाद में प्रजनन करना, फिलहाल के लिए चलो खाना वाना लेकर के आते हैं, ठीक। खाना वाना का थोड़ा सा यहाँ पर बहुत कमी है यार, खाना ही नहीं मिल रहा यार, पता है फ़कीर, एकदम फ़कीर जगह है मेरा यार। यार पता है, अब हमको मेरा मन कर रहा है नहीं कि हम जाके वुडन वो लाए, खूब सारा वुड लेकर के आए, ये वैसे खाना है ये, मतलब ये खाना खाना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये खाना खाना नहीं चाहिए, लेकिन खा ही लेते हैं, क्या करें, जब मजबूरी होगा तो वही खाना खाएंगे, नहीं तो वाला खाना खाने का मेरा ऐसे कुछ खास मूड है नहीं, ठीक। ओके, चलो फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ पे चलते, तो कुछ सुनो, अभी लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेकर के आते हैं, कुछ स्लैब व्लैब बनाया जाएगा, कुछ ऐसे 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 जैसे तैसे यदा कदा बनाया जाएगा, चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीज़ें बनाया जाएगा, ठीक। रेडस्टोन चाहिए हम लोग को थोड़ा सा, बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें, पता है माइनक्राफ्ट भी हमने इसलिए चूज किया कि माइनक्राफ्ट में दुनिया भर की चीज़ें, फ्रीडम वाली चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक। कंटिन्यूसली बोलते रख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें के बारे में, कंटिन्यूसली बोल भी रहे हैं, इट्स नॉट लाइक कि मेरा गला नहीं सूख रहा है, मेरा गला सूख रहा है, बगल में गिलास पानी है, अरे आई कैन आई, रुकना नहीं है बेटा, हम रुकने वाले नहीं, वैसे नहीं है, ठीक है। एम नॉट गोना स्टॉप, आई एम गोना कंटिन्यूअसली स्पीकिंग। वो देखो साला, वो देखो कैसे देख रहा है, ये देखो क्रीपर को, कहीं तो एक क्रीपर था यार, ये देखो इस साइड देखना, इस साइड देखना, देखना कैसे हाइट से देख रहा है, ये देख रहे हो हाइट से क्रीपर देख रहा है हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे वो सब बहुत सारे हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, मॉब्स यहाँ पर बहुत सारे स्पॉन हुए हैं, बाकी अपना ये देखो ये भी ख़त्म हो गया। अरे यार इतना क्यों ख़त्म होते हैं भैया, ठीक है। ओके, ये अपना हो जाएगा अपना, उसके बाद से सुनो, आज तो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली बातें नहीं हुई, क्यों नॉलेज वाली बातों की कमी थोड़ी यार, बहुत सारे मेरे पास नॉलेज की बातें हैं, बहुत सारा मज़ा आएगा बातचीत करने में, साइंस के बारे में बात करें, साइंस बार बार हम बोल रहे हैं भले ही, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि खाली हम मतलब कि यही साइंस के बारे में, हो सकता है हम लिटरेचर के साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद के बारे में, पता है मुंशी प्रेमचंद का पता है अपने वाइफ से झगड़ा हो गया था, ठीक है। हम तो यहाँ तक कहेंगे मुंशी प्रेमचंद ने जो महान महान जो गोदान लिखा, दो बैलों की कथा लिखा और पूछ की रात लिखा, ऐसे करके बहुत सारे उनके रचना
रचना की मुंशी प्रेमचंद जी ने, तो उसमें पता है उनका जो पत्नी का भी एक इनडायरेक्टली योगदान था, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। वैसे सुनने में आया है कि बहुतों की होती है, बट मेरे को उतना आइडिया नहीं है। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद ने जो, मतलब हम मुंशी प्रेमचंद के फैन हैं यार, प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं ना उसमें पढ़ोगे, एक व्यंग, एक किसी ने कहानी लिखी है, हमको उनका लेखक का नाम नहीं याद आ रहा है, तो उसमें प्रेमचंद के फटे जूते का एक हमने कहानी पढ़ी थी, क्लास 9th या 8th का बात बता रहे हैं। तब एक मिनट रुको यार, हम लोग चलते उधर चलते पूरा खूब ज़्यादा लकड़ी लाया जाएगा, खूब सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, ठीक है, और हम लोग को थोड़ा सा वीट भी चाहिए होगा, बिना वीट का काम नहीं चलेगा, ठीक है, वीट चाहिए होगा, ड्यूरेबिलिटी इसमें दिखा नहीं रहा ज़्यादा, ऐसे ही वीट मिलता है। तो प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं ना इसमें व्यंग कहता है, पता है व्यंग किसको कहते हैं, व्यंग को इंग्लिश में कहते हैं सरकाजम, सरकाजम मतलब होता है कि कोई चीज़ टेढ़ा बोलना, कुछ टेढ़ा बोलना, ठीक है, और सरकाजम जनरली व्यंग वो लोग करते हैं ना जिनको लाइफ में बहुत तकलीफ पहुंची है, जिनका लाइफ बहुत मीठा मीठा बीता है, दे आर नॉट दैट मच हर्ट फ्रॉम इनसाइड सो दे डोंट टॉक लाइक दैट, बट जनरली पीपल हु हैव बीन सो मच हर्ट फ्रॉम इनसाइड बट दे डोंट वांट टू अब्यूज एनीवन, दे टॉक लाइक दैट, दे टॉक लाइक सरकाजम, सरकाजम इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल हु हैव गॉट हर्ट, आई थिंक एटलीस्ट आई कैन थिंक ऑफ इट बिकॉज आई यूज टू बी सो मच सरकास्टिक व्हेन देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज टू गेट सो मच हर्ट मैन, फॉर नाउ आई थिंक आई एम जस्ट फाइन एंड आई थिंक इट्स ओके, सो फॉर नाउ आई एम ओके, ठीक, तकलीफ है, तकलीफ वकलीफ नहीं रहेगा तो फिर मज़ा क्या आएगा जीने का, तकलीफ नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा यार, सोचो ना यार, मौत के ऊपर इतनी शायरियाँ लिखी गई है, लेकिन यहाँ नेगेटिव बातें नहीं होगी, ठीक है, नेगेटिव बातें नहीं करना, नेगेटिव के लिए बहुत लोग की ज़िंदगी है, और यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव बातें होंगी, अच्छी बातें होंगी, आगे बढ़ने की बातें होंगी, और आपके भले के लिए जो होती हैं वो सब बातें होंगी, नैतिकता वाली बातें होंगी, अच्छी बातें, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, ठीक है, हमारे पास चीज़ें शेयर करने के लिए बहुत है, पता नहीं ये चीज़ हमने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया, जो चीज़ आज हम कर रहे हैं, आज ये चीज़ हमको 4-5 साल पहले करना होना चाहिए था, क्योंकि अगर जो समय कर रहे होते तो मे बी बेटर आज, थोड़ा और भी मेरी ऑडियंस की रीच होती, लेकिन कोई बात नहीं बच्चा है, कोई बात नहीं, चला जाओ, कोई फ़ायदा है, अभी सुनो यार, हम लोग को टर्निप वर्निप कुछ चाहिए होगा, ठीक, ये क्या है, देख रहे हो कितना डरावना है, व्हाट द हेल इज दैट गाइस, देख रहे हो ऊपर में कौन चमक रहा है, इंटरमैन हम जानते हैं लेकिन कितना डरावना लग रहा था यार, बाप रे, है निकला यार यहाँ से, रहने कोई मतलब नहीं है, ए, कोई मतलब नहीं है, पे चलो यहाँ से निकलते हैं, अपने हम लोग पेड़ पकड़िए ले लेकर के निकलेंगे, ठीक है, आगे चल के हम लोग अपने फेंसेस वेंसेस बनाएंगे और सब चीज़ें अपना करते रहेंगे, ठीक, तो आई थिंक यार हम लोग किधर से आए थे, मेरे को याद भी नहीं किधर से आए थे हम लोग, बुला के क्या, शायद इधर से आए थे हम लोग, और मेरे को कॉन्टेंट नहीं आते, पता है आगे चल के ना जब जब मतलब थोड़ा एपिसोड थोड़े और बढ़ेंगे, सीरीज थोड़े और बढ़ेंगे ना, तो आगे चल करके हम लोग एक खूब बड़ा सा थोड़े ना इसे एकदम लाइट एकदम रिंग बना देंगे, किसका रिंग बनाएंगे बताए, मैग्मा क्यूब का एक रिंग बना देंगे, ताकि मतलब दूर से देखने से लगे कि यार यहाँ कोई एकदम बवाल आदमी रहता है, ठीक है, अभी नहीं कर रहे क्योंकि यार अभी उतना मतलब हम लोग पास जुगाड़ नहीं बन पा रहा है, लेकिन यार मेरे को कॉन्टेंट भी नहीं याद है, अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी उतना जुगाड़ नहीं बन पा रहा है, लेकिन हम लोग बाद में इसको करेंगे, बाद में इसको बहुत बड़ा सा एकदम बनाएंगे, मतलब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, ये मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा है, आगे आपके लिए नॉलेज भी है और फन भी है, सोया सुबह उठ करके थोड़ा सा इसको देख लिया करना वीडियो, ठीक है, नुकसान तो नहीं करेगा यार, जा करके इंस्टाग्राम चलाओगे वहाँ भी देख लेना, हम नहीं मना कर रहे इसको देखने से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देख लिया करना यार, हम लोग कहाँ आ गए यार, ये मेरे को याद भी नहीं, ये कौन सी जगह है, हम मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन बातों में इतना खो गए थे कि मेरे को सेंस ऑफ डायरेक्शन पता ही नहीं है, ठीक, अरे यार ऐसे कैसे काम चलेगा, मेरे को कॉन्टेंट वॉन्टेंट याद रखनी चाहिए, क्यों कॉन्टेंट वॉन्टेंट मेरे को याद ही नहीं है, कहाँ आ गए हम, चलते चलते कहाँ आ गए, हो सकता है मेरे बेस ही बुला गया, मेरे बेस कहाँ गया, हमको ऐसा लग रहा है कि हम कहीं मार्केट में खो गए, मम्मी को ढूंढ रहे, एक मिनट को सुनो, चलते ऊपर चलते, देखो अगर जब आप खो जाओ ना तो आपको हमेशा मतलब कि अगर जब मतलब रियल लाइफ में भी कहीं कोई जरूरी माइनक्राफ्ट में भी तो आप हमेशा ऑल्टीट्यूड पे जाओ, ठीक है, ऑल्टीट्यूड पे जाने के कारण ना आपको आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ हो
आपको मतलब ज़्यादा दिखता है, ठीक है। जब आपको ज़्यादा दिखेगा तो आपको एक क्लियर स्कट समझ में आ जाने लगेगा कि आप कहाँ हो और आपको किधर जाना है। इधर तो नहीं जाना मेरे को यार, इतना आपको बताया। उधर जाना, मेरे ख्याल से उधर जाना। हाँ, याद आ गया, वी हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन, मतलब अपने लेफ्ट में जाना है, ठीक। अपने लेफ्ट में चलते हैं हम लोग, एक मिनट को, ठीक है। तो हाँ, तो अगर जो आप कहीं खो जाओ ना तो पैनिक मत करना, ठीक है। अगर जो आपके पास मान लो कहीं कोई मार्केट में गए तो मार्केट वर्केट में खो गए तो मिल ही जाओगे, लेकिन मान लो अगर जो कहीं कहीं आप कहीं जंगल वंगल में गए घूमने के लिए और वहाँ खो गए ना, तो सो डोंट पैनिक यार। पैनिक करने से ना, इंसान पैनिक क्यों करता है पता है? अब हम आपको बताते हैं कि जब इंसान डर जाता है तो बेहोश क्यों हो जाता है, आपको बताते हैं। हम लोग डरने पर बेहोश इसलिए हो जाते हैं ना ताकि हार्ट अटैक ना आए। अब ऐसा क्यों होता है भाई? हम लोग डरने पर बेहोश इसलिए हो जाते हैं कि हार्ट अटैक ना आए, हमने ये बोल तो दिया है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? हम लोगों की बॉडी हम लोगों को बेहोश कर देती है ताकि हार्ट अटैक नहीं आए। अगर जो हम लोग बेहोश नहीं हुए तो हम लोग का ब्लड इतना तेज़ी से सर्कुलेट होने लगता है ना कि हम लोग मतलब मर ही जाएंगे, ठीक। तो बेहोश होना भी एक नेचुरल प्रोसीजर है, बेहोश होना भी एक नेचुरल तरीका है सर्वाइव करने का। ओह देखो, देखा, बोला था ना, दिख जाएगा। तो पैनिक नहीं करना चाहिए कभी भी, चीज़ें हमेशा कूल रहना चाहिए, ठीक है। और पता है, हम लोग जब डर जाते हैं ना, हम लोग जब डर जाते हैं तो हम लोग के अंदर में ना कई सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं। उनमें से एक हॉर्मोन का नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। आगे चल के हम लोग कई सारे हॉर्मोन के बारे में बार-बार बात करेंगे। और यार ये कौन लेकर के आया है? आगे चल के हम लोग ये देखो, ए मिल गया, ठीक। आगे चल के हम लोग कई सारे हार्मोन्स के बारे में बात किया जाएगा, जैसे टेस्टोस्टेरोन जो आदमियों का हार्मोन होता है, औरतों का हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जब बच्चा कोई जन्म ले रहा होता है तो औरतों में निकलता है, वो क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो दुनिया भर के नॉलेज भी है, खाली इतना कम नॉलेज नहीं है हमारे पास, नॉलेज की पूरी भरमार है। बट बने रहिए साथ में, तभी ना होगा। 83.124, ठीक है, 80-120 इससे याद रखना, नहीं तो फिर चल सो जाते, ठीक। सो जाते, कुछ खाने पीने के लिए हो जाए अपना, तब ज़्यादा बेटर लगे मेरे को। हाँ, तो हम लोग जब टेंशन में हो जाते हैं ना तो एक एड्रेनलिन बोल करके एक हार्मोन होती है, वो निकलती है। एड्रेनलिन हम लोगों का पता है फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी रख देता है। ये सब आप क्लास 9 की बुक में पढ़ोगे, ठीक है। क्लास 9 की जो किताबें हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। मतलब हम देखो अपने समाज में शिक्षित होना, देखो दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी पता है क्या है? ज्ञान की गरीबी। सबसे बड़ी गरीबी ज्ञान की गरीबी। आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, लेकिन हो साले टेट गवार तो फायदा क्या है? तुम्हारे और जानवरों में क्या अंतर है? मतलब जानवर भी खाता पीता सोता है, हल्का होता है, ठीक है, तुम भी होते हो। इंसान को जानवरों से शिक्षा ही अलग करती है, ठीक है। शिक्षा नहीं है तो फिर क्या ही फ़ायदा? और शिक्षा ही के कारण हम लोगों का इलाज हो पाया, इलाज संभव हो पाया, हम कई सारी दवाइयाँ बना पाए, हम कई सारे साधन बना पाए। तो शिक्षा नहीं तो आपकी पहचान नहीं, तो शिक्षा का कदर करो हमेशा। पढ़ने लिखने में पता मज़ा आता है, ठीक। जो ये घर वाले लोग जो फोर्स कर देते हैं ना कि तुम बेटा पढ़ाई लिखाई करो, तुम बेटा पढ़ाई लिखाई करो, ऐसे पता है एक मतलब वो ख़राब मतलब रेपुटेशन बन जाता है, एक ख़राब रेपुटेशन बन जाता है पढ़ाई का। अदरवाइज़ पढ़ाई बहुत मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। सोचो ना, आप ऐसा चीज़ कर रहे हो जिससे आपका ग्रोथ हो रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, नौकरी भी मिल रही है, नॉलेज भी बढ़ रही है। तो सब पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छी बात होती है, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। पढ़ाई लिखाई को एक हवा बना लिया है यार कि अरे यार पढ़ना लिखना कितना मुश्किल काम होता है। अबे तुमको पढ़ाई को तो इंजॉय भी तो कर सकते हो, पढ़ाई को इंजॉय करने में क्या प्रॉब्लम है? हमको समझ नहीं आ रहा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद इंजॉइंग स्टडिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करने में क्या दिक्कत है भाई? पढ़ाई लिखाई करो, अपना आगे बढ़ो, मेहनत करो, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या होता है ना, जब आपको चीज़ करना ही है, जब आपको चीज़ करना ही होता है ना, तब आप वो चीज़ करते नहीं हो, ठीक। तब आपको मन लगता है क्या है बाद में करोगे, सीधी बात है। तो इसलिए लेकिन पढ़ाई लिखाई, देखो पढ़ाई लिखाई का क्या होगा कि आपका नौकरी आएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप सेफ रहोगे। अब कई लोगों को पता ही नहीं है कि यार कि क्या कहते हैं बिजली का कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। गए उस दिन तार निकालने के लिए, उनका कपड़ा भींगा रहा, करंट मार गया, ठीक है। अब उनको पता ही नहीं यार कि भींगा चीज़ से कोई बिजली का चीज़ नहीं छूना चाहिए, क्योंकि भींगा चीज़ जैसे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरली भींगी चीज़ें पानी की कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जब नॉलेज ही नहीं रहेगा तो अपना जान क्या, किसी का जान नहीं बचा पाओगे, ठीक है। इसलिए पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करनी अच्छी बात होती है।
यार ये यार मेरा खाना का बहुत स्लोली स्लोली जुगाड़ हो रहा है, इतना स्लोली स्लोली खाना तो बहुत दिक्कत होगा आगे बढ़ना यार। एक मिनट रुको यार, तुम इधर आओ। ये क्या डर्ट है, डर्ट को यहाँ पर रख दे रहे हैं। इधर जाओ, आ जाओ तुम। अरे अरे हाँ, हमको लगा कुछ हुआ ही नहीं इनके बीच में। ठीक है तो चलो हम लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? आगे चल के वो बोला सीप के लिए फार्म बनाया जाएगा। ठीक है, और आगे हमको माइनिंग पे जाना है पता है, पर लेकिन माइनिंग पे जाने के पहले हमको ना यहाँ पर खाना को जुगाड़ करना पड़ेगा। खाना यहाँ कहीं मिल नहीं रहा है, खाना का बड़ा किल्लत है यार। ठीक है, खाना का थोड़ा किल्लत है, खाना चाहिए खाना चाहिए। और हाँ मॉब फार्म बनाते हैं। ठीक है, क्यों मॉब फार्म बनाए? मतलब मॉब फार्म बनाने में थोड़ा सा झमेला इसलिए हुआ क्योंकि हम इसको बताए ऑफलाइन मॉब फार्म बनाना नहीं चाहते। ठीक है, हम चाहते हैं कि साथ में मिल करके मॉब फार्म बनाया जाए। तो देखते हैं मॉब फार्म कैसे बना पाते हैं। और यहाँ पे वो भी बनाएंगे, क्या कहते हैं, बहुत सारा। मेरा पता है मेरा टारगेट क्या है ना, कि आगे चल करके ना यहाँ पे ना एकदम बवाल कर दे। ठीक है, बवाल करना इन द सेंस कि लावा हुआ एक तरफ गिरे, एक तरफ मतलब इस तरफ पूरा एकदम पूरा लावा हुआ गिरे। ठीक है, और एकदम पूरा इधर से एकदम ऐसे रोलर कोस्टर जैसे बनाए, और ये अंदर एकदम काली काली गुफा के अंदर से होते 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 उधर जाए, फिर वहाँ से कोई सामान निकाले, फिर तो एकदम कमाल कमाल की चीज़ें किया जाए, ऊपर से नॉलेज की बातें किया जाए। एकदम पूरा आसमान है फतह करने के लिए। ठीक है, पूरा आसमान है फतह करने के लिए, तो इसीलिए हम इसको वो कर रहे थे। क्या कहते, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है इस चीज़ का। ठीक, तो चलो ठीक है, इसको हम लोग अपना यहाँ पे इसको इतना बना लिया है। ठीक, हम चाह रहे थे कुछ सीप उप भी आ जाए यार, लेकिन सीप उप कहाँ मिल रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से उसके लिए मॉब फार्म बनाना पड़ेगा। क्यों मॉब फार्म क्या बनाएंगे? ससुरा हमारे पास खाने के लिए खुद ही नहीं कुछ चीज़ें, तो मॉब फार्म क्या बनाएंगे। ठीक ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं। आई थिंक कि मेरे ख्याल से काम तो हो ही जाएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा वो ले करके आते, क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम लोग वो ले करके आते हैं। थोड़ा सा ये देखो, ये हमेशा मुंह उठा के खड़े रहते हैं यहाँ पर कोई ना कोई। अब देखो आएगा हमारे पीछे साला, देखना आएगा ही। एक भी गोली नहीं लगी, पर गोली नहीं लगी तो हेल्थ कैसे कम हो गया? गोली नहीं, एक भी तीर नहीं लगा, तीर नहीं लगा तो हेल्थ कैसे कम हो गया हमको नहीं पता। तो चलो चलते हैं। ठीक है, अरे यार तो फिलहाल के लिए आई थिंक कि इतना एपिसोड के लिए इतना काफ़ी है। हम लोगों ने थोड़ा बहुत डर्ट वर्ट इकट्ठा किया, हम लोगों ने मवेशी वेसी पालना शुरू कर दिया। ठीक है, खेती बाड़ी शुरू कर दी, और हम लोग अब आगे चल करके वो सब चीज़ें बनाते हैं। क्या कहते हैं, डर्ट का भी बहुत कीमत है भाई। तुमको लगता है मिट्टी का कीमत नहीं? मिट्टी कहीं भी मिल जाती है, कभी घर बनवाओगे तो तुमको समझ में आएगा कि मिट्टी की कितनी कीमत होती है। ठीक है, मिट्टी भी बहुत कीमती होती है। इसलिए हर वो चीज़ जो इंसान के काम आ सकती है उसकी कीमत होती है, सिवाय हमारे और आपके दिल की। ऐ बकवास कर रहे, दिल का जज्बात का कोई कदर नहीं होता यहाँ पे। साला चोट लगे यहाँ। ठीक है ठीक है, कुछ यूँ चलेगा तुम्हारा हमारा सिलसिला, कुछ यूँ चलेगा तुम्हारा हमारा सिलसिला, मिल जाओगी तो बातें लंबी, ना मिलोगी तो यादें लंबी। ठीक है चलो, हो गया नोटेंगे। ठीक चलते हैं, ओके मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा और मवेशी लाएंगे, थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन करके खाना का थोड़ा सा प्रॉपरली जुगाड़ करना है। ठीक है, क्योंकि खाना हम लोग के पास है नहीं, और देख लो बार बार भूखे मर रहे हैं। ठीक है, भूखे मर रहे हैं, तो खाना का अगली बार से जुगाड़ किया जाएगा। तब तक के लिए हम लोग यही वाला जो है ना, ये वाला, अरे यार ये क्या नोटंकी होता है, मेरे को कुछ करना होगा इसका, सारा ट्यूटोरियल पुटोरियल देखना होगा यार। ठीक है, नोटंकी साला, ये मोजैंग पता है अनोइंग चीज़ में से किया है इसका, मोजैंग वैंग। ठीक है, तो ठीक है अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए सी यू, बाय, गुड नाइट।